हेलो गाइस, नमस्कार एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पवित्र धाम सप्तकुंड यात्रा पर जा रहे हैं। साथ में ये कीड़ा जड़ी का बुग्याल भी है, आगे यारसा गुम्बा कीड़ा जड़ी से भी रूबरू कराएंगे। और ये खूबसूरत वादियां हैं और आगे आपको बर्फीली ग्लेशियर नंदा गुंगुटी त्रिशूली से भी रूबरू कराएंगे। और सप्तकुंड जो हमारा मेन टारगेट है, मेन जिस यात्रा के लिए हम जा रहे हैं, वहीं हमने जाना है। अभी हम शुरुआती पड़ाव पे हैं, लगभग सप्तकुंड यहाँ से 20-25 किलोमीटर ऊपर होगा। और मेरे साथ चार जवान हैं पेरी गांव से, तो ये मुझे हैंडल करते हुए ले जा रहे हैं। आगे आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की खूबसूरत वादियाँ स्वर्ग से भी बढ़ के। तो सामने देखो कितना ये खूबसूरत ग्लेशियर है। इस बार यहाँ के जो स्थानीय लड़के मेरे साथ आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस बार यहाँ बिल्कुल ग्लेशियर नहीं है। कहीं ना कहीं ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण है कि जो यहाँ बिल्कुल ग्लेशियर का नामो निशान नहीं। तो ये कह रहे जो ये ऊँची चोटी से लेके और ये जहाँ पे सामने लड़का चल रहा वहाँ तक ये पूरा भरा रहता था ग्लेशियर से, और इस बार ग्लेशियर बिल्कुल दिख नहीं रहा। और ये है कमल जो सप्तकुंड की ठीक आगे मुझे रास्ता बता रहे हैं। तो आगे आगे मेरे साथ बने रहे। तो आखिरकार हमारा जो टारगेट था, जो मंजिल थी, वो लगभग पूरा हो चुकी है। हम सप्तकुंड के बिल्कुल करीब हैं, लगभग 200 मीटर की दूरी पे। सामने ये बड़ा सा ताल दिख रहा है, ये भगवान शंकर का ताल। इधर ये पार्वती कुंड, और भी आगे परिचित कराएंगे। 7 ताल है यहाँ, सप्तकुंड इसलिए कहा जाता है। और ये सप्तकुंड के ठीक ऊपर त्रिशूली नहीं, कौन सा नंदा गुंगुटी जो बादलों से बिल्कुल ढक चुका है। और त्रिशूली हमारे दाएं साइड, त्रिशूली को हम छोड़ चुके हैं, वो भी बादलों से ढक चुके। तो हम यहाँ से आगे जाएंगे और एक एक कुंड से परिचित कराएंगे आपको। और इंतफाक की बात है, मेरे साथ 3 कमल और जगत, और ये 2 कमल साथ में भी कमल। तो ये इंतफाक हो गया हमारे साथ। ये यहाँ के स्थानीय निवासी, इनका घर यहाँ से काफ़ी नज़दीक, ये एक दिन में आते जाते हैं, इधर आते जाते रहते हैं। तो आगे बने रहें, हम सप्तकुंड ले जाएंगे आपको। हम यहाँ से नीचे स्केटी खेलते हुए जाएंगे। एक कमल तो बिल्कुल नीचे चला गया और साथ में दूसरा कमल, अब उसकी बारी है स्केटी खेलने की। मैं लगातार आपको लाइव वीडियो बना रहा हूँ किस तरह यहाँ पे स्केटी खेली जाती है। और ये कमल, और तो देखो कमल बहुत एंजॉय कर रहा बंदा, बहुत स्पीड से सप्तकुंड के करीब। वाओ, अमेजिंग। यहाँ ऐसा लग रहा हम स्वर्ग में विचरण कर रहे हैं। अगर देवी देवताओं का वास है तो इन्हीं वादियों में है, और ये माँ नंदा गुंगुटी त्रिशूली, इन्हीं जगहों यहाँ पे देवी देवता निवास करते हैं। अब हमारे बारे है, मुझे तो डर लग रहा, देखते हैं मैं चल पाता हूँ कि नहीं। तो ये सामने शायद माँ नंदा गुंगुटी ने मेरी पुकार सुनी। तो धीरे 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 बादल हटते जा रहे हैं, और ये नंदा गुंगुटी का जो टॉप है वहाँ दिख रहा। ये नंदा गुंगुटी पे आज तक कोई भी पर्वतारोही फतह नहीं कर पाया, नहीं चढ़ पाया, और ना ही यहाँ से कोई चापर और जहाज इसके ऊपर से नहीं चढ़ते। ये देवियों शक्ति है या इस पर्वत के अंदर कोई चुंबकीय शक्ति कि यहाँ से कोई भी जहाज और कोई भी इंसान इसको फतह नहीं कर पाया। और कोई तो देखो ये बहता पानी, ये कुदरत का करिश्मा है, ये ऊपर वाले की देन है, भगवान की देन। देखो ये पानी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिख रहा होगा, और ताल इतना साफ शीशे के समान, इस नंदा गुंगुटी इसमें स्पष्ट दिख रहा। ये बहुत बड़ा ताल पार्वती कुंड, और ऊपर देखो ऐसा लग रहा कि ये मैं ये पहाड़ों की शूटिंग कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, हकीकत ये है। ये पानी आपको हल्का सा पानी बहता दिख रहा होगा, इतना साफ, इतना शुद्ध पवित्र पानी और शीशे के समान। तो मैं ताल की परिक्रमा कर रहा हूँ, और
मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा यहाँ पे। ये इतना शुद्ध साफ पानी कभी दिखा नहीं मुझे, और ये पूरा शीशा इसमें दिख रहा। हम इसमें देखेंगे, अपनी फोटो देखेंगे इसमें। उस सामने दो चार बंदे और हैं, उनसे भी हम परिचित कराएंगे। सारे भी यहाँ पे ब्लॉगिंग करने आ रखे हैं, इन भाई लोगों से भी मिलेंगे। और ये यहाँ से देखो कितना बड़ा ताल है, लेकिन आप लोगों का दिमाग काम नहीं करेगा। ये ताल में ये लोग भी उल्टे दिख रहे हैं यहाँ पे सामने, ठीक नीचे। तो अभी हम तीसरे ताल की ओर जा रहे हैं। तो दो ताल तो हम परिक्रमा कर चुके हैं, तीसरा ताल कमल नाम के लड़के, जो मेरा नाम राशि है और एक कमल मेरे साथ चला, वो अभी सर्च करने जा रखा है। तो उसको पता चल गया कि ताल यहाँ पे, हम जरा बर्फ से बचते जा रहे हैं क्योंकि नंगे पांव देवभूमि है। देवभूमि में आ रखे तो यहाँ पे नंगे पांव चलना पड़ता है। हम यहाँ पे पूजा पाठ करेंगे, आगे छोटा सा मंदिर और बराबर माँ नंदा घुमटी पर्वत के ठीक सामने नंदा घुमटी के जड़ पे हम चल रहे। यहाँ पे हल्की ऑक्सीजन की कमी, जो आप ये वीडियो के माध्यम से सुन रहे होंगे, मेरी सांसें फूल ली। तो तीसरा ताल हमें मिलने वाला है, और ये बड़े बड़े ग्लेशियरों का घर, बादलों का घर, और यही ग्लेशियर आगे चलकर नदी बनती, और यही हमारे लोगों को ये पानी तृप्त करती है, उनकी प्यास बुझाती है। तो ये अभी हम तीसरे ताल की ओर परिक्रमा करेंगे। इस ताल को मुझे तो शायद उतना नॉलेज तो पता नहीं, पर हनुमान जी का ताल कहते हैं, कि कहते हैं यहाँ पे हनुमान जी का कुंड है और हनुमान जी यहाँ पे स्नान करते हैं, और जो जहाँ पे बर्फबारी जमी होगी वो भोले शंकर का ताल होगा, क्योंकि आपको पता है भोलेनाथ ऐसी पर्वत की चोटियों में, बर्फबारी में, ग्लेशियर में रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा अमेजिंग व्यू सामने, और एक ये छोटा सा ताल, ये शायद गणेश जी का ताल है, और इधर से आगे पाणा यारानी जो गांव है वो भी इधर ही है। तो ये सप्तकुंड पे शायद आज तक किसी ने ब्लॉगिंग नहीं की, मैं शायद पहला यूट्यूबर हूँ जो ये सप्तकुंड की ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। और तो आप हमारे साथ बने रहें, पॉज ना करें और फॉरवर्ड ना करें वीडियो को। अभी हम दो ही कुंडों को दिखा सकें, आगे आगे आपको लगभग पूरा सात कुंड दिखाएंगे, और जो सबसे बड़ा शिव का कुंड है वो कुंड भी दिखाएंगे। तो अभी हम हनुमान जी के ताल में परिक्रमा कर रहे हैं, जो ये हनुमान जी का कुंड है। ये शायद ये पाणा ईरानी जो यहाँ की स्थानीय निवासी हैं, तो उन्होंने ये परिक्रमा करने के लिए ये पठाल पुठाल बिछा रखे हैं। और ताल सामने यहाँ पे कहाँ पे है मंदिर है? अच्छा, तो यहाँ पे मंदिर, यहाँ पे अगर जीवन में एक बार जिसने अपने जीते जी स्वर्ग देखना है तो जरूर सप्तकुंड आ जाए, तुम्हें यहाँ पे स्वर्ग का दर्शन हो जाएगा। हम हनुमान जी के कुंड के बिल्कुल करीब, और मेरा तो यहाँ पे दिमाग काम नहीं कर रहा, यहाँ का पानी ही डिफरेंट, ऊपर से पूरा बर्फ, ऐसा लग रहा कि ताल में ही पूरा नंदा घुमटी समा रखा है। अभी हल्की सी हमारे पांव में गर्माहट, लगातार हम बर्फ में चले तो अभी थोड़ा राहत मिल गई पांव को। और आखिरी परिक्रमा करेंगे हम भोले बाबा के कुंड में। इस सामने आने वाला है, वाओ इतना बड़ा कुंड, ये देखो सामने कुंड,
लेकिन इस कुंड में मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं जिस भी कुंड में वीडियो बना रहा तो ऐसा लग रहा है कि इसमें पर्वत समा रखे, लेकिन है ये बहुत बड़ा कुंड और इसमें पानी ऐसा कि जैसा ऐसा लग रहा है ये शीशा बिछा रखा हो। तो ये सामने शायद ये स्थानीय लोग करे जगह दे, कौन से भगवान का ताला है, कमल। तो मुझे लग रहा है ये शायद भगवान विष्णु का कुंड है, वो इसमें स्नान करते हैं। मुझे उतना तो नॉलेज पता नहीं, पहली बार मैं आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो चार ब्लॉगर हैं तो उनसे पूछेंगे अगर वो लोग दूसरे कुंड की ओर घूम रहे। बहुत बड़ा एरिया है एक कुंड, यहाँ तो दूसरा कुंड लगभग 100 मीटर की दूरी पर है, 100 मीटर से ज़्यादा तो हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही उनसे। अभी हल्का सा आवाज़ मारी थी, उन्होंने कहा था हमें इस रास्ते से जाओ, जब सामने मिलेंगे वो यहाँ के स्थानीय निवासी शायद है, ये पाणा इराड़ी साइट है, दसोली ब्लॉक में आता है, तो वहाँ के हैं, उनसे पूछेंगे कौन सा ताल का किस भगवान का है एक कुंड। ये आपने इसी कुंड को ऊपर से देखा होगा, लेकिन जैसे नज़दीक आए हैं तो देखो ये भी ऐसा लग रहा है यहाँ पे भी पानी नहीं शीशा बिछा रखा, क्योंकि ये नंदा घुंघटी ऐसा लग रहा है इसी में समा रखा है इस कुंड में। और यहाँ पे हम कुंड में डुबकी मारेंगे, बहुत बड़ा कुंड है और पानी इतना पवित्र, इतना निर्मल, इतना शुद्ध है, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। और ये जो ये सप्तकुंड है ये उत्तराखंड का 5वां धाम बन सकता है। कह रहे हैं तरंग किरण कह रहा हूँ मैं, अरे वाओ, ये भी एक अमेजिंग फैक्ट है। यहाँ पे जो साथी जगत है तो जगत ने एक पानी के ऊपर एक पत्थर फेंका जो तो नीचे नहीं गया, वो ऊपर ही ऊपर बहुत दूर तक ये दिख, वाओ, ये भी तो एक अमेजिंग फैक्ट, मेरी समझ में नहीं आ रही ऐसा ये प्रकृति की देन है या भगवान की देन, कैसे है ये संभव, ये इतना दूर पत्थर जा रहा ऊपरी ऊपर, और वाह तो ये पत्थर नीचे नहीं जा रहा ऊपरी ऊपर जा रहा, ये देखो, अरे वाह, एक कमल उधर कुंड की तलाश में गए हैं। तो ये इतना निर्मल, इतना शुद्ध पानी, अगर कोई भी भाई बंधु यहाँ आना चाहता है हमारे वीडियो देख के कि यहाँ पे अगर वो उन्हें अच्छा लगता है कि यहाँ का अमेजिंग व्यू अच्छा लगता है तो आप गूगल मैप का सहारा ले सकते हैं। ये गूगल मैप पे ये 4 कुंड यहाँ पे दिखाए गए, लेकिन 6 मीन 7 कुंड, एक कुंड लुप्त हो गया, तो आ सकता है गूगल मैप के थ्रू, उसमें सर्च मार सकता है सप्तकुंड कहाँ है। तो यहाँ पे कमल, वाओ, इस कुंड में स्नान कर रहे हैं। बीच में खड़ा हो जा, बीच में खड़ा हो, बीच में खड़ा हो। तो अभी हम शिव के ताल, जो शिव का कुंड है, भोलेनाथ का कुंड, वहाँ पे जा रहे हैं, ये ग्लेशियर पार करते हुए और नंगे पांव, पांव में बहुत ज़्यादा ठंडक और आगे जगत। तो ये गणेश जी का कुंड,
और अभी हमारे पाँव बहुत ज़्यादा ठंड पाँव में, क्योंकि बर्फ ग्लेशियर को क्रॉस किया। एक ताल से दूसरे ताल में जाना बहुत दूर है, लगभग 150-200 मीटर। और एक गणेश जी के कुंड में है पूरा पानी ही जम रखा है। यहाँ पे मैं चाहूँगा कमल या जगत एक पत्थर फेंके, ये लोगों ने पत्थर फेंक रखे तो ये है। इतना यहाँ पे तापमान, ये देखो ये ऊपर से पूरी पानी जो जम रखा, और बर्फ की एक है बड़ी सी पट्टी बन रखी है, शीशा जिसे हम कहते हैं। ये गणेश जी का कुंड है यहाँ पे, यहाँ पे जरा हम रिलैक्स करेंगे। तो ये इसने अभी शीशा तोड़ के, लेकिन पत्थर ऊपर ही है। ये देखो यहाँ कुछ स्थानीय लोग आए होंगे, उन्होंने ये पत्थर फेंके। इतना यहाँ का तापमान बिल्कुल माइनस में, और ये हमारे कैमरे की बैटरी अपना आप यहाँ पे बहुत जल्दी ख़त्म हो रही। तो लगभग एक घंटे का सफ़र इस सारे ताल घूमने में हमें लगभग एक घंटे का सफ़र तय करना पड़ा। और जो मीन ताल है, शिव का ताल, ये सामने देखो पूरा बर्फ से जमा है, बर्फ ही बर्फ इस ताल में। और जो असली ताल है, यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है भोलेनाथ का, यहीं पे हम आगे पूजा अर्चना करेंगे, गोला अगरबत्ती यहाँ पे चढ़ाएंगे। और ये ताल पूरा बर्फ से अभी भी जमा हुआ है, क्योंकि सामने ये ग्लेशियर और माँ नंदा गुंगटी का जो पर्वत है वो यही है। यहाँ पे लोगों ने त्रिशूल भी चढ़ा रखा, ये जगत यहाँ पे घंटी बजाते हुए। ये देखो ये सबसे गोल और विशाल ताल यही है। आजकल भी देखो ये आज जून है, 1 जून है, तो ये यहाँ पे ये अभी भी बर्फ से जमा हुआ है। और हम यहाँ पे अब पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद फिर हम अपने डेरे की ओर जहाँ पर हमारा टेंट लगा हुआ है वहाँ पे चलेंगे। यहाँ पे किसी की मनोकामना ज़रूर पूरी हुई तो उन्होंने ये घंटी, मैं भी बजा देता हूँ। अरे त्रिशूल कहते हैं, यहाँ पे जो भी लोग अपनी मनोकामनाएं लेके आएंगे तो अवश्य वो पूरी हो जाती है, इसलिए लोग यहाँ पे घंटियाँ त्रिशूल चढ़ाते हैं। और आने वाले समय में मैं चाहूँगा उत्तराखंड का ये 5वां धाम बने, और यहाँ पे एक विशाल का भोलेनाथ का मंदिर बने। ये फिलहाल जी यहाँ के स्थानीय निवासी, उन्होंने ये मंदिर बना रखा, ये अंदर डोली और त्रिशूल ये चढ़ा रखे, और लोगों ने जिस जिसने ये घंटी चढ़ा रखी अपना नाम भी लिखा है। तो यही सप्तकुंड है, और यहाँ पे अब हमारी यात्रा पूरी होती है। यहाँ पे हम आगे पूजा पाठ करेंगे और तब जाके अपने डेरे की ओर प्रस्थान करेंगे। तो जिन लोगों की यहाँ पे मनोकामनाएं पूर्ण हो रखी होगी, कुछ ना कुछ उन लोगों ने यहाँ पे ये घंटियाँ चढ़ा रखी, जो यहाँ पे इन्होंने कुछ मांगा होगा, इस पे नाम गोपाल सिंह नेगी, गोपाल सिंह नेगी जी स्मृति द्वारा श्री भक्ति जी ईरानी, ये पाणा ईरानी वालों, ये 2019 यहाँ पे दिख रहा होगा अंकित कर रखा 2019। ये जिन लोगों की यहाँ पे कोई ना कोई मनोकामना पूर्ण हुई तो इन लोगों ने यहाँ पे ये घंटे पे अपना नाम भी अंकित कर रखा। और ये छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे हम अभी आगे पूजा करेंगे। तो दोस्तों अब धीरे धीरे हमारी यात्रा समाप्ति की ओर, हमने जहाँ से यात्रा शुरू की थी और वहाँ पे जाने वाले, जहाँ पे हमने जूते खोले, लगभग पूरा 2-3 घंटा लग गया हमें इस परिक्रमा करने में। और ये बादलों का भी घर है, ग्लेशियर बर्फ का तो घर है ही, देवताओं का भी इधर आवास। और देखो बादलों ने चारों ओर से हमें घेर लिया, और धीरे धीरे यहाँ पे ओले आने शुरू हो गए। और यहाँ का जो पवित्र पानी है, हम एक बोतल में भर के
और घर में मंदिर में चढ़ाएंगे। प्रत्येक ताल का जितने भी ताल में हमने परिक्रमा की, धीरे धीरे अब हम अपने डेरे की ओर जाएंगे। तो दोस्तों आज हमारी यात्रा बहुत मंगलमय रही। तो अब हम ये नीचे जो दर्रा जैसा दिख रहा है, इस ग्लेशियर के ठीक यहाँ से नीचे पड़ाव पे जाएंगे जहाँ पे हमारा टेंट है। बहुत ज़्यादा नीचे, लगभग कितना किलोमीटर होगा यहाँ पे, जो जगत यहाँ से कितना किलोमीटर है, ढाई किलोमीटर नीचे हम जाएंगे। और यहीं से हम ऊपर आए थे। ये है जो ये टॉप है, इसका नाम कह सकते हैं सप्तकुंड टॉप। ये ग्लेशियर क्रॉस करके तब जाके यहाँ आना पड़ेगा, और यहीं से आगे ये सारा सप्तकुंड जो आप वीडियो में देख चुके होंगे।